ये गणपति बापा, हम कसम खाता है करोड़ों रुपया मिलेगा फिर भी हेरा फेरी नहीं करेगा। फिर हेरा फेरी कभी नहीं करेगा। बुझ गया ये देवा, ये नहीं करने का कसम का फिर भी बुझ गया, तो हेरा फेरी करने का कि नहीं करने का। अरे कल किसकी लिखी कहानी देखने को मिलेगी? क्या फिल्म की शुरुआत जहां से रुकी वहीं से होगी? क्या हो पाएगी फिल्म कामयाब? हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। 2000 में रिलीज हुई वो फिल्म जिसको आज 21 साल बाद भी उतना ही प्यार मिलता है जितना उसको 21 साल पहले मिला था। आज भी अगर फिल्म टीवी पर आए तो हर कोई उस फिल्म को देखना पसंद करता है। फिल्म के किरदार और डायलॉग्स, हर सीन में ऐसे जोक्स जो आज भी हर कोई उनका उतना ही मजा उठाता है। फिल्म के जोक्स और कहानी, नीरज वोरा जो कई फिल्मों में एक्टिंग और डायरेक्टिंग दोनों करते नजर आते हैं, उन्होंने ही इस फिल्म के दोनों पार्ट हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी को लिखा था। अब जब हेरा फेरी 3 की खबर सामने आई तो फिर लोगों को हंसाने और अपने जोक्स और पैसे की हेरा फेरी की कहानी से सबको हंस हंस के फंसाने आ रहे हैं इस फिल्म का तीसरा पार्ट लेकर। फिल्म के पहले पार्ट में तीनों, राजू, बाबू राव और श्याम के किरदारों को पैसों के पीछे भागता दिखाया, पर फिल्म के एंड में उनकी ये भाग दौड़ खत्म होती है और उनकी किस्मत खुल जाती है, जिसके बाद फिल्म के दूसरे पार्ट में उन्हें अमीर दिखाया पर पैसे का लालच फिर एक बार नई हेरा फेरी करने के लिए 21 दिन में पैसा डबल कराने के चक्कर में राजू सभी पैसा लगा देता है, जिसके बाद फिल्म में हेरा फेरी फिर से शुरू हो जाती है। अपना सब कुछ खो देने के बाद फिर कहानी के अंत में दिखाया वो सीन जब राजू पहुंचता है करोड़ों की बंदूक फेंकने और अब उनको उसने फेंका या बचाया ये जानने के लिए लोग 18 साल से इंतजार कर रहे हैं। जैसे हमने देखा फिल्म के दूसरे पार्ट में फिल्म की कहानी पहले पार्ट से दूसरे पार्ट की कहानी की शुरुआत हुई, अब फिल्म के तीसरे पार्ट में भी कहानी की शुरुआत हमें वहीं से देखने को मिलेगी और उसके बाद फिर होगी 3 गुना हेरा फेरी। फिल्म के दोनों पार्ट ने लोगों को बहुत हंसाया, सबको तीनों की जोड़ी बहुत पसंद आई, तीनों का कमाल का तालमेल, फिर वो बाबू राव का स्टाइल या राजू का पैसे का लालच या श्याम का सीधापन। पर फिर हेरा फेरी 3 में राजू का किरदार करने वाले अक्षय कुमार ने फिल्म के तीसरे पार्ट से अपना रिश्ता तोड़ दिया और वो नहीं दिखेंगे राजू के किरदार में, जिसकी वजह से वो तीनों की मशहूर जोड़ी हमें नहीं देखने को मिलेगी और फिल्म को उतना पसंद भी शायद नहीं किया जाए। फिल्म को लेकर लोग बहुत सालों से इंतजार कर रहे हैं और ऐसे में लोगों की उम्मीद फिल्म को लेकर काफी ज्यादा है और फिल्म के बाकी पार्ट्स को अभी तक लोगों ने बहुत प्यार दिया है। अगर फिल्म दर्शकों की उम्मीद पर नहीं खरी उतरती तो फिल्म को नाकामयाबी देखनी पड़ सकती है। फिल्म में पुरानी जोड़ी जो पिछले दोनों पार्ट से लोगों का मनोरंजन करती नजर आई है, अब वो मनोरंजन नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या 3 गुना होगा फिल्म का फन? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही